रायसेन पहुंचे सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ प्रसिद्ध छिंद मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम ने दिवंगत नेता राजा भैया चौधरी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीएम शिवराज का बयान आया सामने। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर रोकने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, यह महामारी फिर से ना आ पाए सरकार सतर्क है। रायपुर में सीएम हाउस में धूमधाम से मनाया गया बीजापुरा तिहार। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने महिला स्वयं सहायता समूह के करीब 13 करोड़ रुपए के ऋण माफ करने का किया ऐलान। शुजालपुर के जेठला गांव में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर का किया निरीक्षण। सीएम हाउस में कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समर्थकों के बीच खिले नजर आए। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने अपना मोबाइल निकालकर समर्थकों के साथ सेल्फी। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया सामने। विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, साथ ही स्कूल खोले जाने और उपचुनाव नहीं होने के सवाल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि स्कूल खोलने का फैसला अभिभावकों और स्कूल संचालकों की मांग पर किया गया। ग्वालियर में जनसंपर्क के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अनोखे अंदाज में दिखे। युवाओं को बैडमिंटन खेलता देखकर मंत्री ने गाड़ी से उतरकर बैडमिंटन खेला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिवासी अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज में हिमाचल के अव्वल रहने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जयथरी रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। बारिश बाढ़ के बाद राजधानी भोपाल में डेंगू और मलेरिया को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में अब मौके पर एक शख्स की मौत। हादसे में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी। जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में महिला की हत्या का मामला आया सामने। महिला के सिर को कुचलकर की गई हत्या। ग्वालियर में बीते दिनों महाराज बाड़े पर क्रेन हादसे की जांच आज से शुरू हुई। लोगों से कलेक्ट्रेट में जांच अधिकारी किशोर कानियाल के सामने दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक साक्ष्य और वीडियो पेश करने का समय दिया गया। वहीं बैतूल में गंज थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़छाड़ करना मंचले को पड़ा भारी। 2 लड़कियों ने मिलकर मंचले की जमकर की पिटाई। कांकेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छात्रा से। छिंदवाड़ा में पारंपरिक मेला कोटमार का रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पांढुणा में पुलिस ने बकायदा टेंट लगाकर लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को 2-2 कहा। कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना लिखा। डरा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। अरावली में अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अरावली वन क्षेत्र के 500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया। देश में फिर बढ़ने लगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटों में 49,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 74 मरीजों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले में तेजी से सुनवाई करने को कहा है। किसान महापंचायत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। कहा कि मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में भीड़ उमड़ी है। यूपी और देश का किसान बीजेपी से त्रस्त हो चुका है।